नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वोट बैंक के लिए कब तक किसानों का सहारा होगा, किसानों के नाम पर सियासत कब तक चलेगी, सवाल इसलिए है क्योंकि किसानों के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो रहा। कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान नेताओं से मुलाकात करके किसानों से सुझाव ले रहे, किसान हितों की बात कही जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चिंतन से दूर होगी कांग्रेस की चिंता, चुनाव में लगातार हार, सत्ता से दूरी, आपसी गुटबाजी, संगठन में असंतोष, इन सभी मुश्किलों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी ऊर्जा अपना घर ठीक करने में लगाए या फिर विरोधियों से निपटने में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चिंतन और मंथन के लिए 13 से 15 मार्च तक राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय शिविर होने जा रहा है। नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस 2024 की रणनीति तैयार करेगी, तो वहीं कई प्रस्ताव पास करने की तैयारी भी है। चिंतन शिविर को लेकर 6 अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। इन्हीं में से एक कमेटी के कन्वीनर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा को किसानों से संबंधित कमेटी की कमान सौंपी गई है, तो लिहाजा हुड्डा किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर किसानों के भले के लिए सुझाव ले रहे हैं। जो डिस्कशन ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर चर्चा हुई और साथियों को मैंने कहा है और सदस्यों को और भी सुझाव हो, लेकिन बाई एंड लार्ज जो हमारा डिस्कशन है ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सभी ने सहमति दिखाई है और ये जो है ड्राफ्ट वहाँ पर शिविर में रखा जाएगा और वहाँ और भी सभी बड़े ग्रुप में जो डिस्कशन होगी उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा। सर, आपने सभी किसानों से बात की, मुख्य मांग MSP की ही आ रही है या कुछ और है? नहीं, वो बहुत अनेक मांगे हैं, बहुत मांगे हैं, MSP की है और भी चीज़ें हैं जो आज किसान फेस कर रहा है। कांग्रेस का जो चिंतन शिविर होने वाला उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो कृषि मामले की समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, उस सिलसिले में किसान आंदोलन के तमाम नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है कि किस तरह से किसान आंदोलन के मुख्य बिंदु राजनीतिक दलों के एजेंडा में आ सके, इसलिए किसान आंदोलन की तरफ से हमारा जय किसान आंदोलन है जिसके अध्यक्ष अविक शाह जी हैं, उसकी तरफ से हम कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट शेयर करने आए थे। किसानों के सहारे कब तक सियासत, किसानों के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी को कोस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी पलटवार किया। धनखड़ का कहना है कि किसानों की बात करना अलग है लेकिन काम करना एक तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सरकार में थे, ढाई रुपए के चेक लिया करते थे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को 7 साल दबाए बैठे रहे। हुड्डा साहब ने 2010 में अपनी एक कमेटी बनी थी जिसमें 4 मुख्यमंत्री और थे, उस कमेटी की रिपोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, इतने कमजोर उस समय। वार पलटवार का दौर जारी है लेकिन सवाल यही है कि किसानों के नाम पर सियासत कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। इस बार मुख्य एजेंडा यही है कि किसानों के सहारे MSP कानून को लेकर घेरने का प्रयास होगा बीजेपी को, यानी सरकार को। लेकिन बीजेपी भी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, किसानों की चिंता सत्ता में रहते कभी किया नहीं तो अब शायद करने का कोई मतलब भी नहीं है, और किसानों की चिंता बीजेपी कर रही है। MSP कानून को लेकर जो भी है वो बीजेपी करके दिखाएगी या फिर उस पर किसानों को समझाएगी। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई किसानों की चिंता हो रही है या फिर चिंता राजनीति की है और किसान उसमें एक बार फिर से मोहरा बनेगा। हालांकि कुछ किसान नेता वहां पर जरूर पहुंचे किसानों की बात रखने के लिए। आपने योगेंद्र यादव को सुना, उनका कहना है कि जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य एजेंडे हैं, वो राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल कराने के लिए यहां पर पहुंचे हैं ताकि राजनीतिक दल भी अपने एजेंडे में से शामिल करें और फिर उस पर आगे राजनीति हो या फिर चुनावी दौर में वो चर्चा का बिंदु रहे।
यहां कांग्रेस के चिंतन से किसानों का भला कितना हो पाएगा, यह सवाल लाजमी है। लेकिन बीजेपी भी जबरदस्त पलटवार करती हुई कह रही है कि किसानों की चिंता वो नहीं कर सकते जो कि 7 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबाकर बैठे थे। जैसा धनखड़ साहब को आपने सुना, किसानों की चिंता वो नहीं कर सकते जो 10 साल तक बैठे रहे सत्ता में और चेक बांटते थे 2-2 रुपए का, 2.5-2.5 रुपए का। ये सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस वक्त जाहिर ही लगेंगे और सवाल भी उठेगा कि आखिर वाकई चिंता किसकी है। इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो जो चिंतन शिविर कांग्रेस का होना है उसमें पार्टी की स्थिति, पार्टी को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, यह मुख्य बिंदु होगा। लेकिन चूंकि भूपेंद्र हुड्डा, जिनको एक तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है हरियाणा में उदयभान को अध्यक्ष बनाकर और फिर उनके पीछे हुड्डा साहब ही, तो अब किसानों का मुद्दा एक बार फिर से उठाने का प्रयास हुड्डा साहब कर रहे हैं। उसकी वजह से ही तमाम जो नेता हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि किसानों का भला कैसे हो, और उसके लिए चर्चा कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं किसानों से कि आखिर उनको किन चीजों पर आपत्ति है या फिर उनकी क्या मांग है। इन तमाम सवालों का जवाब अब मिलेगा। सवाल ये है कि कांग्रेस के चिंतन से किसानों का भला कितना होगा और कैसे होगा। सवाल यह भी है कि किसानों के सहारे क्या कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक फिलहाल नहीं मिल रहा। अब सवाल यहां पर यह भी होगा कि सियासत अगर है तो कब तक चलेगी ये सियासत। केंद्र सरकार किसानों की क्या वाकई अनदेखी कर रही है, क्योंकि किसान आंदोलन, उसके बाद फिर से किसानों का मुद्दा उठाना, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन राजनीति का आरोप जरूर लगता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, उनसे आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शास्त्री साहब आपका। बजरंग दास गर्ग है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है बजरंग दास जी आपका। अजय गुलिया है प्रवक्ता जेजेपी के, बहुत स्वागत है अजय गुलिया आपका। विजेंद्र रेणु है प्रवक्ता एनएलओ के, बहुत स्वागत है विजेंद्र आपका। और सतीश नंबरदार है किसान नेता हमारे साथ, बहुत स्वागत है सतीश नंबरदार आपका। सतीश नंबरदार, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, कांग्रेस किसानों की चिंता कर रही है अपने चिंतन शिविर से पहले, आपको लगता है कि हाँ ये वाकई किसानों की चिंता है और चिंतन शिविर में ये मुद्दा जब जाएगा तो किसानों का भला होगा? नंबरदार साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? सबसे पहले तो आज मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा कि 2022 में उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान जी किस तरह परेशानी में, एक तरफ तो आज मौसम ने भी किसानों का साथ छोड़ दिया, किस तरह मौसम में भी आज किसान रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस एसी रूम में बैठकर किसानों का सिर्फ समर्थन, चलिए कुछ तकनीकी खामी आ रही है लेकिन आपके दोनों पॉइंट मैं समझ गया। यहां पर बताइए गर्ग साहब, एसी रूम में बैठकर चिंतन होगा और चिंता होगी, उसके बाद शास्त्री साहब के पास मैं जाऊंगा क्योंकि उनके लिए भी सवाल है 22 के लेकर कि आय दोगुनी करने का वादा था जो कह रहे हैं नंबरदार साहब। गर्ग साहब, अतुल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही किसानों के साथ है और रहेगी, और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने किसान के हित के अंदर अनेकों योजनाएं लागू की है और किसानों के हित के अंदर काम किया है। हमारा जो मंथन शिविर है उसमें अनेकों मुद्दे हैं, उसमें मुख्य मुद्दे किसानों का भी है, दलितों का भी है, बैकवर्ड का भी है, व्यापारियों का भी है, आम जनता का भी है। किसानों के लिए हमारी अनेकों योजनाएं हैं, किसानों को फसल के उचित दाम मिले, समय पर खाद बीज उपलब्ध हो, और खाद बीज दवाइयां खेती में उपयोग दवाइयां ये सब महंगी हो चुकी है, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके ऊपर भी हमारा मंथन है कैसे किसानों को सस्ते दामों पर खाद मिले, बीज मिले, खेती उपयोग वाली दवाइयां मिले। जबकि इस सरकार के अंदर जब खाद की जरूरत पड़ती है कि डीएपी खाद हो या यूरिया खाद हो, मतलब खाद भी पुलिस थाने के अंदर लाइन में लेकर लेनी पड़ती है। मेरी माताएं बहनें सुबह 5-5 बजे थाने के अंदर लाइनों में लगकर एक एक कट्टा के लिए तरसते हैं, सुबह लाइन में लगते हैं, 5 बजे शाम में जाकर मसाही या खाद मिलती थी, ऐसी स्थिति है। और जहां तक किसान के साथ है, किसान मेरे साथी भी कह रहे थे, जहां किसानों की बात है, आप देखो किस हरियाणा सरकार ने
किसानों पर किस प्रकार अत्याचार नहीं, आपके साथी ने आपके लिए कहा कि आप एसी रूम में बैठकर चिंता करते हैं, ये नहीं कहा कि आप चिंता बहुत अच्छी कर रहे हैं। मैं बताइए क्या चाहता हूँ, किसान आंदोलन था 13 महीने किसान आंदोलन चला, हम सड़कों के ऊपर किसानों के साथ थे, हर टोल प्लाजा पर हम किसानों के साथ गए, दिल्ली बॉर्डर पर चौतरफ हम साथ गए, कोई ऐसा आंदोलन बता दो किसान का कांग्रेस का खुला समर्थन ना हो। और जहां तक कि आप देखोगे हर आंदोलन के अंदर हर काम के अंदर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज जो मंथन शिविर की बात है, हमारा मिशन 2024 फतेह 2024 है कि केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार को लाना, प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस की सरकार को लाना। ये जो तानाशाही सरकार है, जो भट्ट सरकार है, जो किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है, किसानों को ना तो फसल के उचित दाम मिल रहे हैं, ना किसानों को खेतों में टेल तक पानी मिल रहा है, आज खाद महंगी, बीज महंगा, खेती उपयोग आने दवाइयां महंगी, जिनके ऊपर खाद पर टैक्स नहीं था, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां जिन पर टैक्स फ्री था, आज उन पर 18% टैक्स लगा दिया। तो ऐसी चीजें हैं, आप देखोगे जो पेट्रोल डीजल, डीजल जो है खेती के उपयोग में काम आता है, ट्रैक्टर में काम आता है, खेती के अंदर जो इंजन होता है वो उसके अंदर काम आता है, आप देखो कितना परसेंट उसके ऊपर डीजल रेट बढ़ा दिए सरकार ने। जो डीजल का रेट हमारे राज्य के अंदर 48-50 रुपए होता, आज लगभग 100 के आसपास वो डीजल पहुंच गया है। तो हालात क्या है आज, महंगाई चरम सीमा, ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान पूरी तरह से बर्बाद है और महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार सरकार है। बताइए शास्त्री साहब, सवाल आपसे भी था सतीश नंबरदार का, उनका कहना था कि बीजेपी भी बताए कि 2022 में बोला था कि पूरा हो जाएगा आय दोगुनी करने का सपना, वो कहां है? और दूसरा, कांग्रेस चिंता कर रही है, गर्ग साहब कह रहे हैं कि उनकी चिंता कोई अचानक नहीं है, वो चिंता लगातार करते हैं किसानों की। देखिए अतुल प्रताप जी, सबसे पहले आपने सतीश नंबरदार जी का जो वर्जन लिया उसमें कांग्रेस के प्रति क्या कहा वो कांग्रेस वालों ने जवाब दे ही दिया, लेकिन जब 2022 की बात आती है तो सतीश नंबरदार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपने भी बुलाया है, किसान नेताओं ने भी उनको भेजा है, उनको इतनी समझ नहीं आई कि 2020 से 21 से लेकर 22 तक का ये जो सफर है, ये कोरोना महामारी के अंदर दुनिया के अंदर, यदि हम भारत की बात करेंगे तो बचकानी बात होगी, दुनिया इस कोविड की महामारी से ग्रस्त थी और भारत के भी विशेषज्ञों ने उस समय कहा था कि जान है तो जहान है, पहले जान बचाओ। और इस सारे सिस्टम के अंदर से कितना बड़ा वैक्सीनेशन का जो अभियान चला और फ्री लोगों को राशन देने का काम चला, देश की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षाओं के लिए कितनी बड़ी योजना बनी, ये निश्चित बात है कि किसानों के 2022 का संकल्प हमने 2019 में लिया था कि हम जब अचानक ये एक ऐसी महामारी जिसका पहले से कोई अंदाजा नहीं था, पहले से कुछ कह नहीं सकता था, ऐसी भयावह स्थिति जब आदमी आदमी को टच करना देखना पसंद नहीं करता था, ऐसी स्थिति में हम आय की बात तो करते लेकिन क्योंकि उस दौरान भी जो किसान ने मेहनत की, उस किसान की मेहनत का दाना आना गांव गांव से कलेक्ट करने का काम इस भारत सरकार ने किया, हरियाणा की सरकार ने किया और विद इन टाइम उनके अकाउंट्स पैसा डालने का काम किया, 2000 रुपया उनका त्रैमासिक हिसाब से पैसा देने का काम किया। और ये सब चीजें निश्चित रूप से आप दुगनी का समय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां देश और दुनिया में थी वहां से देश को निकाल कर यहाँ तक लाने का सफल, ठीक है। नंबरदार साहब बहुत जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद रेडू साहब के पास और गुड़िया साहब के पास जाऊंगा। सवाल ये है कि आपने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए, जो शास्त्री साहब कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वादा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस एसी रूम में चिंता नहीं करती है, गर्ग साहब कह रहे हैं कि वो लगातार सड़कों पर किसानों के लिए है। सड़क 11 बजे से 2 बजे तक सड़कों पे है, किस तरह पूरे एक साल किसानों का आंदोलन चलने का काम हुआ, कौन से उन्होंने दिल्ली का जंतर मंतर पर बैठ के किसानों के हित में काम कर दिया, कौन सा उन्होंने किसानों पर मदद पहुंचाने का काम कर दिया,
रही बात आज पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां फेंकने में लगी हुई हैं, किसान की तरफ कोई भी देखने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ किसान को झूठे वादे में वोट लेने के लिए प्रयोग में किया जा रहा है, ना कि किसान को किसी चीज में भी फायदा होने का काम नहीं हो रहा। और देख रहे आप किसान डीजल में किस तरह मरने का काम हो रहा है। और रही बात कांग्रेस तो आज अपनी एक राजनीतिक भविष्य के लिए किसानों के साथ लगने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो आज अपना पूरा भविष्य खोने का काम कर चुकी है। आज माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ किसानों को राहत देने का काम किया, हर किसान को 14,000 रुपए देगा, 14,000 रुपए हर किसान को एक कड़का देगा। किसानों का कुछ जख्म पर मरहम लगाने का काम करने का काम किया जी। ठीक है रेणु साहब, कांग्रेस की जो चिंता है वो किसके लिए है? क्या वाकई किसान के लिए लगती है? क्या पंजाब के बारे में किसान इस बात को रखेंगे आंदोलन, और राजस्थान की कांग्रेस के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कब करेंगे? जल्दी, बहुत जल्दी। हमारी अभी जयपुर में, जयपुर में क्या जब दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था उस समय राजस्थान और पंजाब में सब कुछ ठीक था? बिल्कुल, हमेशा कांग्रेस पार्टी में भी सिर्फ एक माननीय केजरीवाल जी ऐसे हैं जो किसानों के समय काम करने का काम किया। मतलब आप केजरीवाल की पार्टी नहीं कर रही आपने नंबरदार किसान नेता के तौर पर। दिल्ली में कितने किसान है भाई? भाई सुखबीर जी, 2003 में पेट में भी कुछ डालेंगे। ठीक है, एक मिनट चाची साहब, आऊंगा तब सवाल फिर आगे बढ़ेंगे। रेणु साहब, गुलिया साहब आ रहा उसके बाद। रेणु साहब, ये किसानों की चिंता कांग्रेस को क्यों हो रही है अचानक से? क्योंकि गर्ग साहब का कहना है कि अचानक नहीं है, लगातार करते हैं। इनको बंद करवाइए। अतुल जी भाई, अभी सतीश जी, आपका अभी मेरी बारी है, मुझे बोलने का मौका। बोलिए रेणु साहब, वो सुन रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए। ये मेरा टाइम है, मेरा टाइम आप दे रहे हैं, आपका टाइम मुझे मिलेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। हाँ अतुल जी, मेरा जो समय इन्होंने खराब किया, अब आप उसी पर अटके रहेंगे तो आगे कब पढ़ेंगे? आप बोलिए ना, आप चुप है वो। हाँ अतुल जी, देखिए कांग्रेस का जो ये शिविर लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल शिविर लगाए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इनको चिंतन शिविर लगाना चाहिए और इनको मंथन करना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर लगा रही है वो अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, और किस प्रकार से इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज हुआ जा सके, इसके लिए संगठन ये चिंतन शिविर लगाया जा रहा है। मैं कि ये चिंतन शिविर किसानों की समस्या के लिए लगाया जा रहा है, ये केवल मात्र जो चिंतन शिविर है अपने के लिए, किस प्रकार से 2024 में देश की गति हत्याई जा सके, इसलिए चिंतन शिविर है। किसानों के ऊपर किसी प्रकार का चिंतन शिविर ये नहीं लगा रहे हैं। अगर अतुल जी, अगर कांग्रेस पार्टी किसानों के प्रति इतनी चिंताजनक स्थिति में होती, इतनी चिंता करती, तो 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और उस समय देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती। ठीक है, और 2014 तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन्होंने उस रिपोर्ट को दबा करके रखा, 7 साल तक देश के कपड़े के नीचे क्यों दबा करके रखा? ये अगर इनिशिएटिव तो इनको लागू करना चाहिए था, ये तो केवल किसानों को गुमराह करने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी थे, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ये भी रिपोर्ट आ गई थी 2007 में, लेकिन इसके बाद भी उसको लागू नहीं किया गया। हम कैसे मान ले कि कांग्रेस इससे चिंतित है? अगली बात अतुल जी, कांग्रेस पार्टी ने 1.25 साल तक 378 दिनों तक किसानों का आंदोलन चला। अगर इस आंदोलन में किसी राजनीतिक दल ने खुल करके तन मन और धन से साथ देने का काम किया तो वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी थी।
चौधरी है अपने कोने में जाकर कोने प्रदेश के कोने कोने में जाकर के किसानों को जागरूक करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। वहाँ पर दो अस्थाई हॉस्पिटल बना करके वहाँ पर जरूरतमंद किसानों को दवाई और ठीक है। अजय गुड़िया किसान नेता को केजरीवाल का काम अच्छा लग रहा है, कांग्रेस चिंता कर रही है, बीजेपी और जेजेपी सत्ता में है यहाँ हरियाणा में और बीजेपी केंद्र में, लेकिन चिंता बीजेपी को नहीं है, कांग्रेस को हो रही है। अजय गुड़िया के अलावा इन्होंने किसी प्रकार से किसानों के आंदोलन सिर्फ सीधा सा सवाल है, कांग्रेस को चिंता है किसानों की। किसान नेता सतीश नंबरदार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सबसे अच्छा काम किया, मरहम लगाया, बीजेपी और जेजेपी पर भी सवाल है, रहकर उन्होंने क्या किया। एक मिनट रेणु साहब आऊंगा, जब आऊंगा तब बोलेगा। भारतीय गुलिया साहब आपका समय, गुलिया साहब आपका समय। इसका परिणाम सबके सामने है, हम लोग किसी के राजनीतिक किसान विरोधी कानून पूरी पार्टी हमारी पार्टी होने का होता ये है। और ये लोग आरोप प्रत्यारोप करें तो मैं इसके लिए स्पष्ट कर दूं, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े किसान हितैषी नेता थे, इतने बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री थे कि उनकी सरकार के दौरान मेरे खुद के गृह जिले झज्जर में मेरी तहसील है, वहां एक्सिस बैंक का चेक कटा के सत्यनारायण सन्नो हरी सिंह एक किसान है 2 रुपए का। फिर उसी तहसील के अंदर एक दुबड़ धनगांव है, वहां टेकचंद सन्नो भीम सिंह उनको 3 रुपए का चेक देने का काम सरकार ने दिया, तत्कालीन सरकार ने किया। ये मेरे कहने की बात नहीं है, उनको अब बोल लीजिएगा ना सभी लोग सुन रहे हैं। बजरंग दास गर प्लीज गर्ग साहब अगर आप चिल्लाना शुरू करेंगे देखिए फिर मैं भी चिल्लाऊंगा सर। अजय गुलिया कंटिन्यू करिए। गर्ग साहब इतना क्यों तीखा लग जाता है 2 रुपए का चेक बार बार सुनने की वजह से। अजय गुलिया देखिए अतुल भाई मैंने तो ये नाम लेकर के बताया, बजरंग दास जी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील इनके साथ हैं, अगर मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ तो ये मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। एक चीज देखिए अतुल भाई, फिर 2004 में गठन होता है एनसीएफ का, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया, जिसकी पहली रिपोर्ट 2004 में, 5 मई 6 मई और फाइनल 5वीं रिपोर्ट 6 मई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे, उस रिपोर्ट को लागू भी कर सकते थे। देखिए आपके टीवी चैनल पे बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी पूरी जिम्मेवारी से किसान की कमेरी की आवाज उठाते हैं। तुलसी देखिए किसान के लिए जो किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ पे कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां जो 100% सरकार की तरफ से भी होना चाहिए था 100% नहीं रहा, कुछ कमियां कोविड के दौरान रही, कोविड ने भी बहुत बड़ा डेंट इसमें डालने का काम किया, सरकार इसकी तरफ से सीरियस है। हाँ मैं ये बात भी स्वीकार कर रहा हूँ इंडिया न्यूज पर बैठ करके, देखिए 100% जो रिजल्ट आने चाहिए तो नहीं आ पाए क्योंकि कुछ कमियां सरकार की भी रही और कोविड ने इसमें बहुत बड़ा डेंट डालने का काम भी किया। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है तुम भाई कि आप भी एक साधारण किसान परिवार से आते हैं कि किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ये किसान हितैषी कदम है कि नहीं है, कोई इस बात से इनकार कर सकता है क्या। ये सारी चीजें हैं उसके बाद भी ठीक है। अजय गुलिया अब मैं सतीश नंबरदार साहब से सवाल लेता हूं। सतीश नंबरदार आप बार बार कह रहे हैं कि किसान की चिंता सिर्फ केजरीवाल कर रहे हैं, क्या वाकई जितना अभी तक किया गया है वो किसान के लिए मरहम लगाने जैसा है या पूरी तरह से जो जख्म है खत्म कर दिया केजरीवाल ने। और बीजेपी पर सवाल है क्योंकि वो सरकार में उनका वादा था, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, लेकिन कांग्रेस की चिंता पर आप क्यों शक कर रहे हैं, गर्ग साहब की चिंता पर शक क्यों कर रहे हैं वो सब इसलिए कर रहे हैं जो हरियाणा में सरकार थी उसने हमेशा किसानों की जमीन छीनने का काम किया, किसानों बात बढ़ाने का काम नहीं किया, किसानों का प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया। और आज माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली को किसानों को 2 बार 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को पैसा देने का काम किया, किसानों को आज
केजरीवाल इसलिए अच्छा लग रहे हैं पर किसानों के उन्होंने कैसी आगे बढ़कर किसानों का सम्मान करने का काम माननीय केजरीवाल ने किया और इसी तरह आज पूरा हरियाणा केजरीवाल की तरफ मुंह भाए देख रहा और आज हजारों की संख्या में किसान गरीब मजदूर एक तरफ आम पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं और मैं इसका हरियाणा के वासियों स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद। सतीश नंबरदार साहब, फिर मैं किसान नेता की जगह आम आदमी पार्टी का नेता बता दूं क्या, आपको लिख दूं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने जब वक्त पे जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी हमेशा बढ़ाई आपके चैनल पर की। बड़ा आरोप लेकिन आपने लगाया है गर्ग साहब, पहला आपसे सवाल फिर मैं शास्त्री जी के पास जाऊंगा। किसानों की चिंता करने वाले किसानों की जमीन हड़पते थे ये कहना है सतीश नंबरदार का, आप किसानों की नैया पार कराएंगे या किसानों के नाम पर अपनी नैया पार कराने की तैयारी? अतुल जी, हरियाणा के अंदर 2005 से लेकर 2014 तक सरकार रही, 2005 में सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों के कर्जे माफ हरियाणा में किस लिए किए? कांग्रेस सरकार ने किए और 70,000 सुनेगर शांति से सुनेगर नेताजी नंबरदार, हमने भी शांति से बात सुनी है, हमारी बात भी सुनो। और जहां तक की केंद्र सरकार थी हमारी, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जे हमने माफ किए और यहाँ जहाँ तक कि कभी खाद की कमी नहीं आने दी, खेतों में पानी कमी नहीं आने दी, किसानों को फसल बेचने के लिए कभी दिक्कत नहीं आने दी। मेरे शास्त्री जी बोल रहे थे कोरोना हुआ हमने किसान का फसल का एक एक दाना खरीदा, इस नंबरदार जी बैठे हैं अपना धान का MSP 1960 रुपए, मतलब गलत बोलता हूँ मेरे रास्ते में टोक लेना, 1960 रुपए धान का MSP था और किसान का धान मंडियों में रूला खेतों में रूला, वही किसान का धान 1600, 1650, 1700 में खरीदा गया और सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया 300-400 रुपए ठगी उन्होंने किसानों से की और लिखा क्या बिलिंग दिखाई 1960 की, किसान को कम पैसे दिए गए। ये तो इसके राज के अंदर यहाँ हुआ है, आज आप देखोगे और इस राज के अंदर धान घोटाला कितना मशहूर हुआ, जो पीके दास इसका कमिश्नर था उसने उसकी सारी चीजें गिना देते हैं, उसको लेकर सड़कों पर कितने आंदोलन आपने कर दिए, कितना बहुत आंदोलन किए, आप ऐसी कमरे में बैठकर चिंता कर रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं। अतुल जी, अजय गुलिया कुछ कह रहे हैं, अजय गुलिया कुछ कह रहे हैं, अजय गुलिया एक मिनट लूंगा, अजय गुलिया आपने आंदोलन की बात की, धान घोटाला का हमने आंदोलन किया, सरसों घोटाला का हमने आंदोलन किया, महंगाई का हमने आंदोलन किया, नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है, आप ये सुनना चाहते हैं किसान इसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो आप तय कर लीजिए, अगर आपको मेरे मुंह से सुनना है तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात आंदोलन करते हैं, कैसे कह सकता हूँ कि आप तय करेंगे, अब ये भी आप तय करेंगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ, किसान नेता क्या कह रहे हैं उनको भी आप तय कर दीजिए कि कैसे कह सकते हैं। अजय गुलिया जल्दी से अपनी बात पूरी करें, शास्त्री साहब के पास जाऊं मैं। अतुल भाई, अभी किसान नेता जो बैठे रहे यहाँ पर जिनको मेरे पहले बोलने से पहले आपने टोक किया कि वो कौन सी पार्टी से, तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम देखिए, उन्होंने हेक्टेयर को यूनिट माना और हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आते हरियाणा की सरकार 15,000 रुपये एकड़ पर मुआवजा दे रही है, उस हिसाब से तो मेरे मान के चलो कि 37,500 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा हरियाणा प्रदेश की सरकार भी दे रही है स्पेशल विद्या में करा करके, उसको बहुत बड़ा मार रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर वॉल्यूम कितनी है, जमीन की कितना मुआवजा उनको देना पड़ा और हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी वॉल्यूम है, हरियाणा प्रदेश की सरकार को कितना देना पड़ा, ये कंपैरिजन तो हो गया मेरा किसान नेता। अब कांग्रेस के नेता से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए आप किस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, देखिए मैं और मेरी पार्टी और सरकार की तरफ से एक बात स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं कि जो चीजें होनी चाहिए किसान को लेकर के वो नहीं, लेकिन एक चीज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पिछले साल भी और इस साल भी हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा फसलें पूरे हिंदुस्तान में MSP पर खरीदी, कोई और प्रदेश हो, कोई दिल्ली प्रदेश हो या राजस्थान हो पंजाब हो, किसी प्रदेश ने इतनी फसलें MSP पर नहीं खरीदी जितनी MSP पर फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी गई। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बाजरा 2100-2200 रुपए बिका MSP,
और राजस्थान के अंदर 1100 का जहाँ कांग्रेस की सरकार किसान नेता राजस्थान में गए थे तो राजस्थान की सरकार का होना चाहिए था। पिछले साल वहाँ बाजरा 1100 रुपया था और हरियाणा 2200 रुपया था। और आज भी रिपोर्ट के साथ कह सकता हूँ समूचे भारतवर्ष में अगर एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें अगर कहीं खरीदी जा रही है तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जा रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि आप लोगों से दूध की नाराजगी दिख रही है एक किसान को। शास्त्री साहब और उद्योगपति जो मिलर है उनका बड़ा भारी योगदान है। ये लोग तो किसानों को लूटने में लगे हुए थे। शास्त्री साहब, शास्त्री साहब अपनी बात पूरी करें, आप घर से आप शांत हो जाइए। देखिए अतुल प्रताप जी, इस सारे के बीच में दो विषय आते हैं, एक है कांग्रेस का चिंतन शिविर और दूसरा है उस चिंतन शिविर में किसान का क्या चिंतन करना। किसान के चिंतन के विषय में मेरे से पूर्व वक्ताओं सब लोगों ने कांग्रेस से जो प्रश्न किए वो भाजपा से नहीं थे, क्योंकि भाजपा ने पिछले 7 साल में एक ही आंकड़ा आप देख लेंगे कि सरकार के द्वारा किसान के खाते में कितना पैसा गया, चाहे वो एमएसपी के रूप में, चाहे वो सम्मान निधि के रूप में, चाहे मुआवजा के रूप में। ये पिछले 50 साल का आंकड़ा और पिछले 7 साल का आंकड़ा भारी पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान की जेब में हमने डाला है। और 7 साल में जैसा अजय भुलिया जी कह रहे थे कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, ये तरीका ठीक है, गर्व साहब ये तरीका ठीक है, अगर ऐसे आप करेंगे तो आप हरियाणा को भी बाकी लोग बोलेंगे ठीक। उनका गर्व साहब ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, जब मैं आप बोलिएगा ना, एक मिसाल है, हर आदमी के बीच में बोलने लगते हैं आप। और उनसे जब पूछ रहे उसमें भी आप ही बोल रहे हैं, अपने बारे में मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, गोलमोल घुमा रहे हैं। इसीलिए सतवर जी, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस के 2-3 रुपए की बात आती है, जब कांग्रेस को रिपोर्ट की बात आती है, उसके कृषि कानूनों को लागू करने की स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करने की आती है, तो शोर मचाने के अलावा दूसरी चीज नहीं है। आज वर्तमान समय तक जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में केंद्र और हरियाणा सरकार के स्तर पर केंद्र की सरकार ने किया है, यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे समय बढ़ेगा, किसान की चिंता इस बात को एक किसान को केंद्र मानकर नहीं करें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है वो किसान पर ही आकर क्यों रुके। हम बाकी बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर कांग्रेस मंथन करना चाहती है, तो कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार का मंथन करना चाहती है। कांग्रेस का मंथन करना चाहती है या उस कांग्रेस अपने ठीक है। शास्त्री साहब, इसका मैं जवाब ले लूंगा गर्ग साहब से कि वो किसानों के ऊपर चिंतन करना चाहते हैं या कांग्रेस के ऊपर मंथन करना चाहती है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ। जितेंद्र रेडू, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगा किसान नेता के पास। रेडू साहब, म्यूजिक साउंड बीच में आ रही है, इसको आप ठीक नहीं कर सकता, ये कहना है गर्ग साहब का, क्योंकि उनकी चिंता बड़ी लाजमी है। साउंड डिस्टर्ब हो रही है, म्यूजिक का साउंड है क्या। रेडू साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्या अतुल जी, मेरा विषय पूरा हो गया? शास्त्री साहब, एक रेडू साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद नहीं आ रही है। सतीश नंबरदार, सत्यव्रत शास्त्री का यह कहना है कि कोरोना की वजह से दिक्कतें जरूर आई, लेकिन वादा खिलाफी नहीं हुई है, लगातार सरकार काम कर रही, किसानों को जो दिया है उससे और बेहतर देने की दिशा में काम चल रहा है।
पूरे का पूरा किसानों ने खाद बीज की कितनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह किसानों ने ब्लैक में खाद खरीद कर किसानों ने अपनी फसल बोनी पड़ी। और रही बात केंद्र पर बैठी भाजपा की सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों के पास हमारी आमदनी युवा खत्म होने का कारण हुआ। नहीं नहीं, उनके पास आवाज शायद डिले जा रही है, इस वजह से उन्होंने बोला है। वो आपका समय नहीं खराब कर रहे हैं, आप समय नहीं खराब कर रहे हैं। लेकिन सतीश नंबरदार साहब, जो आपने आरोप लगाया, आप पर तो किसी को भरोसा नहीं दिख रहा है। ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी इस सरकार में नहीं है, इस राज्य में, वो आएगा तभी हरियाणा के किसानों का भला होगा, ये आपकी बातों से झलक रहा है। तो क्यों मैंने दिल्ली के लोगों को फ्री देकर बिजली फ्री पानी फ्री और किसानों को उचित मुआवजा देकर, तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपको, आप नेता लिखवा दूं? पिछले 8 साल से वे आपको आपको अजय गुलिया ने जवाब दिया ना कि वहां पर कितना हेक्टेयर है, कि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, क्या है वहां पर जमीन का, वो सारा उन्होंने बताया। और यहाँ पर गिरदावरी पे क्या मिलता है, वो भी रेट आपको बताया। लेकिन सुनो, किसानों को खाद बीज की परेशानी तो मान्य करने भी होने थी, क्योंकि पूरे का पूरा हरियाणा में किस तरह किसान खाद, कितने किसान है दिल्ली में, दिल्ली में कितने किसान है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में पूरा बाहरी दिल्ली क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, जिसमें लाखों पूरा बाहरी दिल्ली कितना है, 65,000 एकड़ भूमि है दिल्ली में अभी भी, जो बोले हरियाणा में किसान, तो किसान भी की जाती है हरियाणा में, हरियाणा में जी, हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में पता, लेकिन दिल्ली में 65,000 हरियाणा का पता नहीं है, दिल्ली का पता है। नंबरदार की जेब में दिल्ली से चेक आ गया लगता है, इसलिए चिंता कर रहे हैं हरियाणा की। मैं रेणु साहब, आप तक मेरी आवाज शायद डिले जा रही है, मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम इसको दूर कर दे। रेणु साहब अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी बारी, थोड़ा सा आप सभी लोग इंतजार करिएगा। मेरा सवाल यही है आपसे, चिंता किसकी है कि कांग्रेस को? कांग्रेस को चिंता है अपना शासन बचाने की, कांग्रेस को चिंता है अपने राहुल गांधी जी को आगे प्रमोट करने की। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी अपना आधार पूरी तरह देश में खो चुकी है। अतुल जी, यदि और किसी की आवाज ना हो तो मैं विषय रखूं। बोलिए बोलिए जल्दी से शास्त्री साहब, लेकिन उसी बीच में रेडू साहब बोलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस का चिंतन शिविर का एक बिंदु हमने टच किया है। मैं कांग्रेस के चिंतन शिविर के आधार बिंदुओं को टोकना चाहता हूं, और शायद गणेश साहब इस बात को बोलेंगे कि कांग्रेस अपना विषय जो कांग्रेस चाहता है, 10 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया था 2007 में, उसकी रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग पुरानी पार्टी मानते थे। किसान आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, क्यों साथ दिया, चिंतन करना चाहेगी, चिंतन कौन सा होगा कांग्रेस के लिए? तो उस समय आजादी साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, रेडू साहब बोल रहे हैं, रेडू साहब, रेडू साहब बोल रहे हैं। केवल और केवल तत्कालीन कांग्रेस के लिए सत्ता लोकतंत्र के कांग्रेस के कारण है, वो आपके नेता है या किसान चिंतन शिविर में बैठे हैं, इस बात को स्पष्ट करने का काम करें। वो किसानों की एक भी बात इसलिए हुआ सिर्फ कांग्रेस ने अपनी बात रखी है वर्तमान समय तक, कर्जा माफ करने का काम किया था, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चौटाला ने किसान आंदोलन में जिस प्रकार से किसानों का साथ दिया वो बिल्कुल अद्वितीय उदाहरण है। और जिस प्रकार से हमारे भाजपा वाले भाई कहते हैं, भाजपा वाले साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने 7 साल फाइल को दबा करके रखा, 2014 से 2022 तक आपके 8 साल हो गए हैं, 8 साल में आपने भी उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, क्यों आप भी उसको दबा करके बैठ गए? तो फिर मुझे बताइए कांग्रेस में और बीजेपी सरकार में क्या फर्क था?
केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं, वास्तव में दोनों में से कोई भी किसानों का हितैषी नहीं है। और अगर किसानों के हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, अगर कोई 70 किसानों का हितैषी है वो चौधरी देवीलाल जी हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में यदि चौधरी चरण सिंह के बाद किसी ने किसानों के वास्तव के सुख लेने का काम किया है तो वो ताऊ देवीलाल हुआ करते थे। ठीक है, देखिए पहले क्या हो गया वो तो उदाहरण के तौर पर है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है ये सवाल होता है। अजय गुलिया कुछ कह रहे हैं, अतुल जी के बाद में आऊंगा, आप मुझे जवाब दे रहे हो, नंबरदार अतुल जी मुझे जवाब दे रहे हो, जल्दी से कमेंट। अजय गुलिया अतुल भाई देखिए, मैं अभी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा किसान नेता से, वो मेरी बात देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2021 में मुआवजा दिया वो दिया 55 करोड़, पर हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से किसानों को जो मुआवजा राशि जारी की गई वो 27,000 करोड़ रुपए थी, चाहे वो बीमा के रूप में हो चाहे उनकी फसल के नुकसान के रूप में हो। तो इस वॉल्यूम का क्या कभी कंपैरिजन किया जा सकता है? तो उनकी बात का जवाब तो मैंने तुरंत दे दिया। हम बजरंगदास जी से एक बात कहना चाहूंगा, देखिये सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर हरियाणा में, सबसे ज्यादा रेट ऑन रिकॉर्ड की बात हरियाणा में, तो चले ना ये बजरंगदास जी चले राजस्थान में कांग्रेस का विरोध करने, और चले ना उस राहुल गांधी का विरोध करने, उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करने चले ना, जो लोकसभा में खड़े होकर के ये कहता है कि मैं 24 इंच का आलू उगा करके मैकडॉनल्ड को दूंगा। क्या कभी 24 इंच का आलू आपने किसी ने, हमने जितने प्रवक्ता बैठे हैं पार्टियों के संगठनों को, किसी ने 24 इंच का आलू देखा है? तो ये लोग क्या किसान का भला करेंगे जो ये नहीं जानते कि आलू जमीन के अंदर होता है कि जमीन से ऊपर होता है? बताइए कर्सा बताइए, आप है 24 इंच का आलू और चिंता किसानों की। अतुल जी कई सवाल है, मैं 2 मिनट में चर्चा चाहूंगा, कई कई साथियों ने लोकसभा के सवाल है, मैंने आपको जानकारी, मैंने आपको जानकारी दी, दिल्ली की सरकार ने 55 करोड़ का मुआवजा दिया, हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने 2027,000 करोड़ का मुआवजा दिया, क्या इस बात का प्रिपरेशन किया जा सकता है? ये जो किसान नेता का चेहरा अतुल जी का मतलब है, अजय गुलिया मेरी आवाज आप तक अगर जा रही हो तो शांत हो जाए सर, प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ। गर्ल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करो। मंथन सीजन की बात करी उन्होंने कि किसानों पे खाली मंथन होना है क्या? मंथन सीजन किसान के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, दलित, एक मिनट भाई ऐसे मत करिए। अजय गुलिया एक मिनट शांत हो जाए। अजय गुलिया शांत हो जाए। गर्ग साहब की बात करते हैं। गर्ग साहब मेरा सवाल ये है, ये मंथन शिविर नहीं है, चिंतन शिविर है। चिंतन शिविर में कांग्रेस खुद की चिंता भी करेगी या बाकी मुद्दों की करेगी, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। अतुल जी मैं यही बता सकता हूँ, चिंतन शिविर के अंदर मंथन ही होता है। मंथन की जो बात पूछी गई, खाली किसान की बात क्यों? किसान हमारा देश का अंग होता है। किसान के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, दलित, पिछड़ा, आम जनता की समस्याओं पर चिंतन होगा, मंथन होगा, उसको उन समस्याओं को। ठीक है चलिए, अब ये स्पष्ट हो गया आपसे कहने से, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि असल में मुख्य एजेंडा जो है वो एमएसपी को लेकर जो कानून है उसे ही मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है, लेकिन आपके लिए मुख्य एजेंडा ये नहीं है, आपने ही बता दिया। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याएं, वो सारे आपके मुख्य एजेंडे हैं, ना कि सिर्फ किसान और एमएसपी कानून। ये भी कम से कम क्लियर करने के लिए आपका शुक्रिया। बताइए नंबरदार साहब बहुत जल्दी से शार्प कमेंट करिए, इस चिंतन से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चिंता तो आपके लिए कुछ कर ही रहे हैं ना।
हमने फसल हमारी सरकार बहुत चिंता है कांग्रेस को, सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस जो है किसानों की मान लिया मैंने। बताइए भाई नंबरदार साहब, चिंता है कांग्रेस की चिंता पर क्यों शक कर रहे हैं? की तरफ ध्यान देगा, उसको अपनी तरफ रखना था। किसान की नंबरदार साहब मेरी आवाज आ रही है, किसान के लिए मैं माननीय गुलिया साहब से पूछना चाहूंगा। और 2004 में मैं लड्डू साहब से पूछना चाहूंगा, 98 से 2004 तक कहा थी वह स्वामी अथंद रिपोर्ट लागू करने के, तो 6 साल शासन में रहे, तो उन्होंने जो भी लागू करने का काम किया, सब किसान सब वोट मांगने का काम करते हैं। किसान आज अरविंद केजरीवाल ने कर दिया स्वामीनाथन लागू। अरविंद केजरीवाल अब इसमें एक आज मुख्यमंत्री है जो मेरे खर्चा हरियाणा को अस्पताल से मारेंगे। ठीक है शास्त्री साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ शास्त्री साहब, फाइनल कमेंट आपका, लेकिन बहुत कम समय में सर, समय नहीं मेरे पास। चिंता है सबकी चिंता है कांग्रेस, चर्चा के बाद दो तीन जो है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी का दलाल बनकर बैठा है। जिस व्यक्ति को किसान के बारे में ये नहीं पता कि कितनी एमएसपी कहा है और कितनी एमएसपी कहा है, वो आज किसान की चिंतन करने के लिए इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर बैठा है। मुझे शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को कहते समय, और ये व्यक्ति किसान के रूप में होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है जिसको आंकड़ा नहीं पता कि 55 इनके अकाउंट में चेकिंग होनी चाहिए, इनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, जो आदमी दिल्ली के बाद मूल जाता है। ठीक है, यानी देखिए राजनीति, शास्त्री साहब इससे एक बात निकल कर आती है कि राजनीति भी किसान नेताओं के तौर पर उभर कर आती है। नंबरदार साहब ने स्पष्ट कर दिया उसको, क्योंकि उनको आंकड़ा दिल्ली का सारा पता है लेकिन हरियाणा का नहीं पता है। लेकिन जो मुख्य विषय है कि किसान को लेकर चिंता हो रही है कांग्रेस को चिंतन शिविर में, वहां पर मुद्दा सिर्फ किसान नहीं है, स्पष्ट किया गर्ग साहब ने। उनका कहना है कि सारे मुद्दे जो कांग्रेस उठाती है वो सब कुछ वहां पर रखे जाएंगे, सिर्फ एमएसपी कानून नहीं। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, गुड़िया साहब आपका, शास्त्री साहब आपका, नंबरदार साहब आपका, और साहब आपका। तो किसानों की चिंता को लेकर चिंतन शिविर तो है, लेकिन असल में क्या पार्टी की चिंता है, ये अपने आप का सवाल है कांग्रेस के लिए। नमस्कार।